हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन पे के अकाउंट से कैसे किसी भी अपने कलीग यानी दोस्त यानी फ्रेंड को, किसी भी घर के मेंबर को या किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे पैसे ट्रांसफर कर पाओगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखो, आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बैलेंस कैसे ट्रांसफर करना है अपने फोन पे के अकाउंट से, सिंपल आपको क्या करना है, अपना फोन पे का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन आपको कर लेना है। जैसे ही आपका फोन पे का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है, के बाद में आपको इंटरफेस जो आपका कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट जो आइकन दिख रहा है टू मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो नंबर नहीं है तो क्या आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख जाता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर न्यू नंबर मोबाइल नंबर दे रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में वो नंबर आपको लिख लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इंटर अमाउंट और से समथिंग पे आपको क्लिक करना है। जितना भी अमाउंट आप सेंड करना चाहते हो यानी भेजना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मैं 500 रुपीज यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब मैं पे करना है, आपको यहाँ पर पे का आइकन दिख जाता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पे पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको आपसे जो UPI का जो पिन होता है वो मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना UPI का पिन फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सही के आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद में आपका जो पेमेंट होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो पेमेंट था वो अभी यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो फुल डिटेल आ गई है। उसके बाद में आपका जो बैलेंस था जो आप भेजना चाहते थे वो सेंड हो चुका है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको बैलेंस को कैसे सेंड करना है अपने फ़ोन पे से। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।